गाइस सभी व्यूअर्स अच्छे होंगे, सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और यूट्यूब चैनल के अंदर आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो भाई आप सभी को प्रॉफिटेबल बनाने का और आप सभी को विनिंग निकाल के देगा, ठीक है। ये विनिंग निकालने वाला ट्रिक जो है ना बहुत ही धांसू ट्रिक है, और ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रिक उठा के आप लोगों के लिए बोल दिया भाई, उसके लिए मैंने प्रूफ भी आप लोगों के सामने डाला है। आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ दिखाने के लिए मैंने ये वाला वीडियो रिकॉर्ड किया गाइस पर्सनली। यार मेगा विन गाइस 3750 का मेगा विन निकल के आ गया। और गाइस सबसे बढ़िया बात ये वाला है कि ये जो ट्रिक है कोई ऐसा वैसा ट्रिक नहीं कि मैंने कोई भी उठाकर डाल दिया गाइस। ये वाला इस वाले ट्रिक के लिए मैंने पर्सनली मेहनत किया और बहुत दिनों से बहुत पहले ऐप्स में गया, बहुत सारे गेम्स खेला भाई इस वाले गेम के अंदर आया। और भाई सफर या फुएल्थ वाला गेम मैंने बहुत बार खेला, बहुत बार लाइक आप विश्वास नहीं करोगे मैंने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उसके बाद जाके मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था कि यार मैं चाहे किसी भी तरह से हूँ विनिंग निकाल लूँगा, ठीक है, आखिर मैं जाके अपने लॉस रिकवर कर भी लूँगा मेरे अपने ट्रिक के ऊपर। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं हर एक ऐप के अंदर से हर एक गेम के अंदर से कुछ ना कुछ एक कॉमन ट्रिक निकाल ही लेता हूँ, उस ट्रिक को यूज़ करके मैं बहुत सारा विनिंग बना लेता हूँ, ठीक है। यही है मेरा क्वालिटी, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वाले गेम के अंदर भी सफर या फुएल्थ को मैंने बहुत बार कई दफ़ा खेला, और उसके बाद खेलने के बाद ना मैं एक पर्सनल एक ऐसा ट्रिक के बारे में मुझे पता लगा, एक ऐसा नए ट्रिक के बारे में पता लगा जो आज तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताया होगा, और मैं उस वाले ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक गेम होता है जिसके अंदर आप लोगों को स्पिन करना पड़ता है और विनिंग निकलता है उसके बदले में। तो स्पिन करने के बाएं साइड नीचे एक स्पिन करने का ऑप्शन बेट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर मेरा देखिए जहाँ पर 450 का मैंने बेट किया है, और दाएं साइड स्पिन का बटन होता है नीचे, वहाँ पर स्पिन करके आप लोगों को विनिंग जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आता है। तो ऐसे फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ स्पिन, अभी तक 5 से 10 तक स्पिन कर लिया है और अभी तक मुझे विनिंग नहीं। और भाई कहते कहते भाई बिग विन यहाँ पे 1250 का विनिंग निकल के आया है, 450 का मेरा बेट अमाउंट है। अभी तक तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा वाला एप्लीकेशन, अभी तक तो आपको नहीं पता चलेगा इसका जो क्वालिटी क्या है। तो आप लोग अगर कंटिन्यू खेलेंगे एक दो भाई 10-20 स्पिन में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है भाई। बिग विन गाइस 1500 का बिग विन निकल गया भाई। ऊपर कोने में मेरा बैलेंस देख लो, अगर आप लोग अभी भी बिलीव नहीं होगा कि अरे भाई ये कैसा है भाई 10 स्पिन कर रहा हूँ उसके बाद जाके एक मुझे मिल रहा है विनिंग, वो भी 2000 का, और मैं स्पिन करते करते मेरा 4000 चला जा रहा है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप लोग जितना कंटिन्यू स्पिन करोगे उतना आप लोगों को ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लगने का चांस, विनिंग लगने का चांस है। 3250 के बाद देखा आप लोग गाइस जितना ज़्यादा देर तक इस गेम के अंदर बने रहोगे उतना देर तक आप लोगों का जो है विनिंग निकलने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा देर तक आप लोग गेम को खेलोगे कम से कम लगभग आप लोगों को 200 स्पिन अगर आप करने का जो आपको पास पावर होता है, अगर आप सोच के आते हो एक पर्टिकुलर प्लान बना के भाई मैं इतना स्पिन करूँगा 200 लाइक स्पिन करूँगा, ठीक है। मेगा विन गाइस यहाँ पे 2500 का मेगा विन लग चुका है गाइस। तो यहाँ पे देखो छोटे मोटे जो स्पिन आते हैं बीच में एक दो बार, वो उसका काम क्या होता है कि आपका लॉस को रिकवर करना, ठीक है, आपका बैलेंस को बनाए रखना। और यहाँ पे भाई बिग विन निकल के आ चुका 1250 का। ये जो छोटे मोटे स्पिन होता है ये इसका काम होता है कि आपका बैलेंस जो है वो बने रहे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से भाई मेगा विन निकल के आने का, और भाई बिग विन निकल के आ गया भाई, यहाँ पे फिर से 900 का बिग विन निकल गया, ठीक है। अभी देखो भाई प्रॉफिट तब होगा, विनिंग तब होगा जब आपका बैक टू बैक विनिंग लगेगा। और बैक टू बैक विनिंग कब लगेगा ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि बैक टू बैक विनिंग तभी तक लगा नहीं भाई, लगेगा कब लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस गेम के अंदर बेसिकली होता ही है कि आपके पास दो जोन में खेलना पड़ता है, पहला जोन तो आपका लॉस जोन हो गया, दूसरा जोन हो गया विनिंग जोन। आप पहले और एक मीडियम जोन होता है गाइस, उसका मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मीडियम जोन में यह होता है कि आपको 5 स्पिन किए फिर एक आपको 1200 का विनिंग मिला, फिर आपने 5 स्पिन किया उसके बाद आपको 2000 का 2500 का विनिंग मिला, तो वो क्या होता है कि आपका लॉस को प्रॉपर मेंटेन रखता है, आपका बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। मेगा विन गाइस 7500 का, इसे कहते हैं विनिंग, आपका जितना भी लॉस है वो आपको मेंटेनेंस होकर चल रहा था, आपका बैलेंस जो मेंटेन होकर चल रहा था, जो 5-6 स्पिन के बाद एक ही विनिंग लग रहा था कम छोटा छोटा उसका जो है वो तो आपको मेंटेन करके रख रहा था, आपका बैलेंस मेंटेन करके। लेकिन ये 7500 वाला जो विनिंग आता है ना, बड़ा बड़ा विनिंग कभी कभी आता है 5000 10000 20000 15000 40000 25000 35000, ये वाला विनिंग जो है आपका अपना विनिंग को अपग्रेड करता है, आपका बैलेंस को अपग्रेड करता है, ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को मीडियम जोन के बारे में बता दिया, अभी बताता हूँ लॉस जोन के बारे में। लॉस जोन के बारे में ये होता है क्या है कि आपको 10 से 15 स्पिन आपका खाली आता है, कुछ विनिंग नहीं निकलता। अभी 2500 का भी विनिंग निकला, ये तो हो गया मेंटेनेंस, चलो ठीक है मेंटेनेंस हो गया। लेकिन अभी यही विन अगर 2-3 बार बैक टू बैक लगता है तभी आपका होगा विनिंग, ठीक है। अभी देखो गाइस, अभी भाई मेगा विन निकल के आ चुका, अभी देखो भाई 2250 का ये वाला पूरा चला गया विनिंग में, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी मेरा विनिंग को बढ़ा दिया। अगर गाइस आप लोगों को विश्वास ना हो तो पहले जाके मेरे बैलेंस को चेक कर लेना एकदम वीडियो को पहले शुरुआत से करके। और फिर बिग विन गाइस यहाँ पे फिर से आ गया 1500 का, अभी बैक टू बैक विनिंग लगना शुरू हो गया। इसका मतलब यही होता है कि मेरा अभी चालू हो गया भाई विनिंग जोन, अभी मैं विनिंग सीरीज के अंदर एंटर कर चुका हूँ। विनिंग सीरीज के अंदर होता यही है कि आपका जो है बेट जितने भी बेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको विनिंग मिलता है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन गाइस आपका ये विनिंग सीरीज के अंदर आने का एक ही फायदा होता है कि आपको विनिंग सीरीज के अंदर जितनी देर तक आप रहोगे, जितनी देर तक ज़्यादा तक आप स्पिन करोगे, जितना ज़्यादा आपका बैलेंस बेट अमाउंट ज़्यादा होगा उतना आपको ज़्यादा विनिंग मिलेगा।
एक विन निकल के आ गया 3000 का, ठीक है। अभी करूँगा फिर से स्पिन, अभी बैक टू बैक विनिंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अरे पे मेगा विन आ गया फिर से 5000 का, मुझे पता था गाइस क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हो इसके अलावा भी, तो उनमें भी आपको आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फील की होगी, लाइक कि जैसे आप लोग को कितनी देर तक स्पिन मिलता है और कैसे कितना आपको विनिंग मिलता है, और बहुत सारे गेम है मार्केट के अंदर, उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता, इसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि अभी मैं सफरी ऑफ वेल्थ वाले गेम पर ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला गेम बहुत ही धांसू है, बैक टू बैक विनिंग हुआ था, इसके पहले मुझे लग गया था विनिंग, अभी मेंटेन करने के लिए कुछ तो आएगा, ये मेंटेन जोन चलता है। मेगा विन आ गया, अभी 7000 का मेंटेन भी हो गया और विनिंग भी आ गया, ठीक है। यही होता है भाई, यही होता है, विनिंग सीरीज अभी फिर से चालू हो गया, मेरा मेंटेनेंस रहता है, मतलब इसके बाद ये नहीं कि लॉस आएगा, मेंटेन का मतलब यही होता है कि आपका विनिंग जोन में आप थे, अभी 9300 का विनिंग आ गया, ठीक है। तो आप विनिंग जोन में ही रहोगे, इसका मतलब यही होता है, मेंटेनेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। और लॉस जोन में बता दिया कि आपका लॉस जाएगा फिर 10 से 15 स्पिन तक, ऐसा ही होता है, 10 से 15 आपको जब तक आप लॉस जोन को रिकवर करके आगे नहीं बढ़ते आपका तब तक आपको विनिंग नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी बंदे का अगर भाई पहले से लॉस जोन चालू हो गया, आप गेम शुरू किए ही हो, शुरू मान लो कि आपने गेम स्टार्ट किया और आपका पहले से चालू हो गया लॉस जोन, तो आपको लॉस तो पार करना ही पड़ेगा ना, यही तो रूल है गाइस। तो अभी आ गया फिर से मेगा विन, यहाँ पे मेगा विन पे निकल गया 7300 का बोनस मुझे, और भाई यही तो मैं बताना चाहता कि जब आप विनिंग जोन के अंदर एंटर कर जाए तो विनिंग जोन बहुत देर तक रहता है उसका, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बहुत देर तक होता है, ठीक है। बिग विन आ गया भाई, और भाई ड्यूरेशन बहुत देर तक होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेगा विन सुपर विन का वेट करो, और जब तक बैक टू बैक विनिंग ना आए तब तक छोड़ना मत। 10 से 20 स्पिन अगर खेल गया और बैक टू बैक वहाँ पे विनिंग लगा तो आपका समझ लेना कि आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मैंने कितने से शुरू किया था और मेरा कितना हो गया अभी विनिंग, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 8540 का आ गया और यहाँ पे 60 भाग गया, इसका मतलब मुझे एक स्पिन घुमाने का चांस मिलेगा वो भी फ्री पॉकेट में, और फ्री पॉकेट में हम इसको स्पिन करेंगे, देखते हैं कि हमारा क्या निकल के आता है। फ्री स्पिन 10 मिला, 10 फ्री स्पिन का मतलब होता है 10 बोनस, और यहाँ पे जो भी मिला वही आपका फायदा है, बिना कुछ अमाउंट को फिक्स किए हुए आप यहाँ पे स्पिन कर सकते हो, यहाँ पे जो भी मिलेगा वही बोनस है, बोनस राउंड इसलिए कहता हूँ मैं इसको। और अभी मेगा विन लग चुका बहुत ही बड़ा 8750 का, अभी देख लो गाइस इन्हीं सब चीज़ों का आप लोगों को वेट करते रहना है कि कब हमारा फ्री स्पिन मिले या फिर हमें कब जो है बैक टू बैक विनिंग लगे, हम विनिंग सीरीज के अंदर कब एंटर करें। तो इसके लिए भाई आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉलो करना होगा कि आपके पास पहले से बैकअप होना चाहिए, बैकअप इसलिए मैं कह रहा हूँ बैकअप रखना, क्योंकि अगर गलती से भी अगर आप फंस गए भाई लॉस जोन के अंदर तो आप लोगों को यहाँ से रिकवर करके निकलना पड़ेगा। इसलिए मेगा विन आ गया यहाँ पे 3500 का मेगा विन निकल के आ गया, ठीक है। अभी कंटिन्यू करेंगे भाई स्पिन को, अभी 2 स्पिन और बचे हुए हैं, ठीक है, 2 स्पिन अभी और बचे हैं। अभी हमारा टोटल यहाँ पे प्रॉफिट निकल चुका है भाई 12400 का हम यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब हमारा टोटल विनिंग अभी आ गया 12400 शायद, और हाँ भाई 12400 का हमारे यहाँ पे टोटल विनिंग निकल के आया है, वो भी हमारे फ्री स्पिन के द्वारा। और गाइस आप लोग बस सिंपली इसी ट्रिक को फॉलो करो, ठीक है। अभी मैंने ऑटो पे रख दिया कि मेरा हो गया भाई, अभी तो मैंने बहुत बना लिया विनिंग, आप लोग देख सकते हो ऊपर कोने में डायसेट मेरा बैलेंस, और पहले कितना था इससे भाई बहुत गुना कम था, 20-30 गुना कम था, अभी उससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में।